Hey guys, hi. आज हम दोबारा बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगसेस के बारे में, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे व्हाइट, येलो, ब्लैक फंगस क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या है. कभी नहीं सोचा था ना कि मतलब इतना ज़्यादा भारी पड़ने लगेंगे मतलब फंगस हमारे ऊपर. कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई कलर के साथ ही हमारे साथ अंताक्षरी भी खेलने लगेंगे. अब आगे पता क्या कि क्या होने वाला है. इट्स जस्ट ऑन इन अवर हैंड्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं. ये मेरी बात हो रही है क्या? अरे भाई तुम यहाँ कैसे भाई? नहीं नहीं देखो 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 देखो, मेरे इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी तुम दिखाई तो देती नहीं हो. वैसे अभी अचानक से ऐसे दिखने लगे. देखो सर बता रहा हूँ, मेरे नजदीक मत आया करो भाई, नजदीक बिल्कुल मत आओ भाई. स्प्रे का है भाई साहब, स्प्रे का. सच बता रहा हूँ, काढ़ा मेरे पास, काढ़ा मुंह पे फेंक दूंगा, अंतर आत्मा तक जल जाएगी. सच बता रहा हूँ. अरे वो मैंने देखा कि तुमने लास्ट टाइम मेरे बारे में बड़ी चर्चा की थी, तो सोचा इस बार खुद आकर देखो कि तुम मेरे बारे में ऐसे क्या बातें कर रहे हो. कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट कि इतना जो अपने खौफ फैला रखा है पूरे कंट्री में, इसके बारे में बात करने और तुम्हारे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना भाई बहन, उनके बारे में बात करने वाले हैं और कुछ नहीं वैसे. ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तब तक के लिए भाई दूर ही रहना, जितना दूर सके इंसानों से दूर रहो, मतलब भाई किसी से भी दूर रहो, अपने काम से मत रुको, हमारी जिंदगी में होता है करो. बहुत बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई जिंदगी में. चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो. थैंक यू. फंगस क्या होती है और ब्लैक फंगस कैसे अचानक इंडिया में फैल गई, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बताया है. तो आज के वीडियो में हम वो नहीं करने वाले हैं. आज थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए बिटवीन ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस. ओनली द अदर कलर्स आर लेफ्ट. कौन कितना खतरनाक है, किसके सिम्टम्स क्या है, किसके केस में मोर्टैलिटी कितनी है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं. तो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड यू हिटिंग द लाइक बटन, शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल सो दैट एवरीवन आउट देयर इज गेटिंग इन्फॉर्मड अबाउट दिस. तो शुरू करते हैं. ब्लैक फंगस रेयर इन्फेक्शन है और कम ही लोगों में देखा जाता है. ये म्यूकोरेल नाम के फंगस से होता है जो सड़े हुए फ्रूट्स, मिट्टी और डैम्प एरियाज में ग्रो करती है. अब ये फंगस हर किसी की बॉडी में हो सकती है, लेकिन सबकी बॉडी में होने का मतलब ये नहीं है कि सबको वैसे इम्पैक्ट करें, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी अलग होती है और यही इम्यूनिटी हमको किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट भी करती है. भाई इतना साइंस हमें सबको पता है ना. और अगर इम्यूनिटी लो है तो ये इन्फेक्शन होने के हाई चांसेस भी होते हैं. तो इम्यूनिटी का किसी का भी लो हो तो उसमें बीमारी होगी. अरे अब वाइट फंगस क्या है, तो ये भी सिमिलर ही है ब्लैक फंगस की तरह, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स दिस इज इवन मोर डेंजरस. अब ये क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लंग्स नहीं लेकिन हमारे दूसरे ऑर्गेन्स में भी फैल सकता है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है. अब इस सबसे डिफरेंट है येलो फंगस. ये ब्लैक और व्हाइट से बिल्कुल अलग है और उसका रीजन है कि दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फंगस का पहला टारगेट इज योर नोज एंड माउथ, लेकिन येलो फंगस के केस में इट इज द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द मेन रीजन ये सबसे ज्यादा डेंजरस है इन तीनों में से अब तक. अगर और कोई नया कलर निकला तो भाई नहीं पता. अब बात आती है इन तीनों के अलग अलग सिम्टम्स की, क्या क्या है जानते हैं डिटेल में और इनको डिफरेंशिएट कैसे करें एक दूसरे से. ब्लैक फंगस की जब हम बात करते हैं, मेनली है सर में दर्द, नोज ब्लॉकेज, फेस स्वेलिंग, साइनस इशू, लॉस ऑफ विजन या आंखों में दर्द हो सकता है. व्हाइट फंगस की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स वेरी सिमिलर टू दी कोविड 19 सिनेरियो. कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सारे सिम्टम्स वैसे ही जैसे कोविड में होता है. इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट कि इट्स कोविड और समथिंग एल्स. इसलिए यू नो सीटी और एमआरआई स्कैन करना पड़ता है टू डिफरेंशिएट. येलो फंगस के क्या है, इसमें आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लो एनर्जी फील हो सकता है, यू नो यू माइट बी यू नो, साथ ही अगर कहीं पहले से इंजुरी है तो उसे हील होने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है. साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक सिम्टम हो सकता है. तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगसेस, डिफरेंट आई वुड से. अब बात करते हैं हु इज एट रिस्क. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें, हमने आपको पहले ही बताया है कि डायबिटिक पेशेंट्स और कोविड पेशेंट्स को ब्लैक फंगस बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि यूसेज ऑफ स्टेरॉइड्स वीकेंस द इम्यून सिस्टम एंड इट बिकम्स इजी फॉर द फंगस टू अटैक द ह्यूमन बॉडी. तो वही जो व्हाइट फंगस है वो मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में देखा जा रहा है, इन वेरी सिंपल टर्म्स जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है. एज वी नो येलो फंगस भी उन्हीं लोगों को ज्यादा अटैक करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है. तो येलो हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो भाई साहब. तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि इम्यून सिस्टम को टाइट करके रखना है, अदरवाइज समझदार को इशारा काफी है ना. सो नाउ व्हाट अबाउट द मोर्टैलिटी रेट, कौन सा ज्यादा डेंजरस है? इन तीनों ही इन्फेक्शन का मोर्टैलिटी रेट 25-90% है. भाई सर में और दर्द हो गया इस उनके पे रहे तो मतलब
तो संभलो, संभालो अपने आप को बस। अब ट्रीटमेंट क्या इन सब है? ब्लैक फंगस से ठीक होने के यू नो डॉक्टर्स यूजुअली एंटी फंगल ड्रग एम्फोबी का यूज करते हैं। इस इन्फेक्शन को घर पर ही यू नो मेडिकेशन से ठीक करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट प्लीज विजिट अ डॉक्टर। तो वही व्हाइट फंगस जो है वो घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। येलो फंगस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स यूज एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, और अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो दिस कैन बिकम रियली फेटल, और पता करना भी डिफिकल्ट होती है। तो मतलब सर के ऊपर दर्द और सर के ऊपर दर्द। अब इनकी प्रिवेंशन क्या है? आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस। अब किसी भी फंगस से बचना इट्स गोइंग टू बी सेम, सो ऑल दी फंगस विल हैव द सेम प्रिवेंशन। मेंटेन हाइजीन अराउंड यू। अगर बहुत दिनों से घर में फ्रूट्स रखे हैं तो उन्हें कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि फंगस उनमें सबसे ज्यादा यू नो लग जाती है। जो लोग स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं दे शुड बी मोर केयरफुल, और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही मेडिकेशन लेना है। ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस ये तीनों ही इंडिया में बहुत तेजी से फैले हैं। वैसे यू नो ये रेयर है, लेकिन इस टाइम इनके नंबर्स में बहुत तेजी आई है। सो वॉट नीड्स टू बी डन इज टू मेक श्योर कि आप मास्क पहन रहे हो एंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, वर्कआउट्स कर रहे हो और अपने आप को हेल्थी रख रहे हो। इस मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेकर आगे बढ़ना है, एंड केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इस केयरलेसनेस की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। अंटिल वी द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मेक श्योर दैट हिटिंग लाइक बटन, शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग चैनल राइट नाउ, एंड लेटिंग मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड हाउ मच इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो वॉज। Make sure to share it and press the bell icon to get notified about all these amazing videos coming ahead. I'll see you guys in the next one. Please stay home and stay safe. Peace.